हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित के इतिहास का चतुर्थ भाग, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और ये उत्तर मध्यकाल का जो समय है वो है 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का समय। 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक के समय में गणित के मौलिक कार्य नहीं हुए, मगर उस समय भी यानी 1200 ईस्वी के बाद भी बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ भारत में जन्म लिए जिन्होंने गणित को विस्तृत करने में या गणित को और व्यापक रूप देने में बहुत सहायता की। सबसे पहले हम बात करेंगे नीलकंठ की। नीलकंठ ने मुक्ति भारत नामक एक पुस्तक की रचना की। नीलकंठ ने ही साइन आर का वैल्यू जो है आर माइनस आर का पावर 3/3 प्लस आर का पावर 5/5 ये जो वैल्यू है साइन आर का, इस वैल्यू को नीलकंठ ने ही अपने पुस्तक में बताए थे। इसके अलावा नीलकंठ ने ज्योतिष के बारे में भी, यानी जिसे हम ज्योतिष गणित भी कह सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी थी। नेक्स्ट नारायण पंडित। नारायण पंडित ने गणित कौमुदी नामक एक पुस्तक की रचना की थी। गणित कौमुदी जो पुस्तक था ये बेसिकली अंक गणित पर आधारित है, यानी इसमें अंक गणित के डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें कि आप मैजिक पजल्स जो देखते हैं जिन्हें मैजिक स्क्वायर्स भी कहा जाता है, या फिर पार्टीशन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं उन्होंने इस पुस्तक गणित कौमुदी नामक पुस्तक में वर्णन किए हैं। कमलाकर, सम्राट जगन्नाथ इत्यादि बहुत सारे गणितज्ञों ने इस उत्तर मध्यकाल के समय को भी एक बृहद समय काल घोषित किया। सम्राट जगन्नाथ ने दो पुस्तकों की रचना की, जिसमें था पहला सम्राट सिद्धांत, जिसमें बहुत सारे अलजेब्रिक जो थ्योरम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई है, और दूसरा है रेखा गणित, जिसमें इन्होंने रेखा गणित के क्षेत्र में, मेंसुरेशन के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके द्वारा रचित ये दोनों पुस्तक जो है एक तरह से मील का पत्थर साबित हुए। नेक्स्ट था लीलावती नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें संख्या पद्धति का बेसिक जो है एलिमेंट इसमें दिया हुआ है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी के समय में आधुनिक गणित का जो हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं, ये संख्या पद्धति कहीं ना कहीं इस लीलावती पुस्तक से लिया हुआ है, या इस लीलावती पुस्तक को आधुनिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का रीढ़ भी माना जाता है। तो ये एक ऐसा समय काल था जहाँ पर ज़्यादा खोज तो नहीं हुए, लेकिन जो भी खोज हुए उनका वैल्यू अभी के समय में यानी आधुनिक गणित में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, यानी जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और इसका समय है 1800 ईस्वी के बाद वर्तमान समय तक। इसमें जो सर्वप्रथम जो गणितज्ञ आए वे थे नरसिंह बापूदेव शास्त्री। इनका वर्ष या समय काल जो है वो था 1831 ईस्वी। इस समय में इन्होंने अंक गणित, रेखा गणित और जो बीज गणित से संबंधित बहुत अलग अलग प्रकार के सूत्र को प्रतिपादित किया, एवं जो पाश्चात्य गणित जो होता है, यानी जो जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कह सकते हैं, पाश्चात्य गणित के बहुत सारे सूत्रों को भी का भी सृजन इन्होंने भारतीय पुस्तकों में किया। नेक्स्ट थे सुधाकर द्विवेदी जी। सुधाकर द्विवेदी जी ने दीर्घवृत्त लक्षण, या फिर आप ऐसा कहें कि जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताए। नेक्स्ट रामानुजम, जिनके नाम से सभी या वर्तमान समय में सभी कोई परिचित हैं। इनका वर्ष जो है 1879 यानी कि 1889 ईस्वी माना जाता है, और इनके द्वारा जो 50 प्रमेय इस प्रकार से बताए गए थे, जिनका कि अभी तक साबित नहीं हुआ है, यानी प्रूफ अभी तक बाकी है, या ऐसे कह सकते हैं कि रामानुजम ने जो प्रमेय बताए थे उस समय, उन प्रमेय में से एक या दो प्रमेय को भी अगर कोई साबित कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो बहुत सारे रिसर्चर्स का रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकी जो पुस्तक है वो रामानुज डायरी नामक, इनके सभी प्रमेय को इसमें संकलित किया गया है, और रामानुज डायरी नाम का एक पुस्तक जो है, जब इनका जन्मशती यानी 1989 ईस्वी में वह प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने वैदिक गणित से संबंधित एक पुस्तक की रचना की, और इन्होंने वैदिक गणित के रिसर्च पर ज़्यादा फोकस किया।
तो ये सभी गणितज्ञ या इससे पहले भाग के जितने भी गणितज्ञ हैं ये यही दर्शाते हैं कि भारत का जो गणित का इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा ही बहुत बृहद रहा है या ब्रॉड रहा है, और उसके अनुसार वर्तमान समय में गणित जो है इजी या सरल हो चुका है। ओके, थैंक यू।